السلام علیکم. اس سے پہلے کہ اس کا کٹنگ دکھایا تھا, کراس کٹنگ کرتے کا, تو اس کو اسٹیچنگ کر کے دکھاتے ہیں. میں اس کو پہلے سے چپکا رکھا ہوں سامنا پلہ. شروع کرتے ہیں, یہ بیک پلہ ہو گیا, اس کو سائڈ میں کر لیتے ہیں. پہلے چھوٹا پلہ کو پہلے سلائی مارتے ہیں. एक इंच चौड़ा रहेगा पट्टी इसमें, और ये इसको ऊपर से स्टिचिंग मारेंगे. अब इसको किनारी का सिलाई मारेंगे. बैक पल्ला को इस तरह लेंगे सबसे पहले. ये बड़ा पल्ला को हम बैठाएंगे. करेंगे हम इसमें पट्टी मारेंगे. इसको इस्त्री मारेंगे तो बैठ जाएगी.
जाएगी, इस तरह आ जाएगी। इसका दामन मार लेंगे सिलाई। अब इसको साइड मार लेंगे सिलाई। यहाँ पे एक स्टेपलर मार लेंगे। पल्ला दोनों को ऐसे खींच लेंगे, खींच के इस तरह फोल्ड कर लेंगे, फिर एक फोल्ड आउट कर लेंगे। इसको यहाँ से क्रॉस अपने को छांट लेंगे, इस तरह कट कर लेना है अपने को। यहाँ से अब इसको मोड़ देंगे। इसमें प्रेस मारेंगे तो बैठ जाएगी अच्छा। बाकी आस्तीन इससे पहले भी बताया था, आस्तीन सेम वैसा ही लगेगा। मेन तो सामना था, ये हमारा सामना कंप्लीट हो गया। आस्तीन लगा, ये दो पैकेट बन गया, कुर्ता कंप्लीट हो गया। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करें और बेल का घंटी बजाना ना भूलें। बेल का घंटी बहुत से लोग सब्सक्राइब करते हैं, बेल का घंटी बजाते नहीं। उससे क्या है, मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उनके पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, यानी नोटिफिकेशन ऑल कर लेंगे ना तो क्या है, कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले पहुँचेगी आप लोग के पास।